सो हेलो भाइयों, अगर आप भी इस तरह का HDR इफेक्ट अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अलाइट मोशन ऐप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और अपने वीडियो को इंटर कर लेना है। वीडियो एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शेप वाले में ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसको अपनी पूरी वीडियो पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कलर एंड फिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिंक कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको कॉपी। जैसे ही आप कॉपी सर्च करेंगे, आपके सामने कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है गजन ब्लर। जैसे ही आप जी सर्च करेंगे, आपके सामने गजन ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है EX। जैसे ही आप EX सर्च करेंगे, आपके सामने एक्सपोजर एंड गामा वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हम इसकी सेटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको गजन ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको आपको प्लस 400 कर देना है। यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक्सपोजर एंड गामा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इसकी एक्सपोजर को आपको -60 कर देना है। -60 करने के बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंसेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वापस से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शेक वाले में ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसके कलर को हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको पूरे वीडियो में फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओवरली कर देना है। ओवरली करने के बाद यहाँ वापस से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका वीडियो फिलहाल के लिए बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको यहाँ पर रेड इफेक्ट डालने के लिए अपने वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एड इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चैनल रिमैप वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन जी पर सेलेक्ट कर देना है। ये देख सकते हैं कि आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका वीडियो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो आपको ये सारे इफेक्ट पूरी वीडियो में फिल कर देने हैं। तो इसको हम चलो वीडियो पूरे वीडियो में फिल करते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, इसको भी पूरे वीडियो में फिल कर देना है।
अब हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है और सेव होने लगा है। तो जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।